बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। मुझे क्या हो रहा है यार, आप लोगों की दुआएं जो है मेरे साथ। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी मूस केक, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ मैंने लिया है कैंडी कुकीज़, 32 मैंने यहाँ कैंडी कुकीज़ ली हैं। आप चाहें तो आप जो भी आपको कुकीज़ लेने हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ कैंडी ली है और यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है। तो अब मैं इसको चॉपराइज करूँगी, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ मैंने कुकीज़ को चॉपराइज कर लिया है। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। पहले मैं थोड़ा बटर ऐड करूँगी, उसके बाद मैं दोबारा इसमें आधा बटर ऐड कर दूँगी, जितनी आपको ज़रूरत हो। पहले देख लीजिएगा आपको इसमें कितना बटर चाहिए। अब फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ मैंने ये पैन लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने कुकीज़ को बटर के साथ मेल्ट किया था। इस तरह से अच्छे से इसके लेयर लगानी है, बिल्कुल इक्वली, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये जो है इसका जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसकी लेयर जो है हमें अच्छे से लगानी है। तो यहाँ मैंने इसके लेयर लगा दी है अच्छे से। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। सिर्फ़ 1 घंटे के लिए हमें सिर्फ फ्रिज में रखना है। अब हमें इसका नेक्स्ट स्टेप करना है, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ मैंने लिया 1/2 kg स्ट्रॉबेरीज, जो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न करके रख दी थी। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने शुगर पहले से ऐड करा था जब मैंने इसको फ्रोज़ किया था। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। यहाँ मैंने लिया है 3 टेबल स्पून शुगर। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ जेलेटिन लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने स्ट्रॉबेरी के चंक्स लिए हैं यहाँ। और मैंने 1/3 कप यहाँ वार्म वाटर लिया है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, अब मैं जेलेटिन को नीम गर्म पानी में डाल के रिजॉल्व करूँगी। तो यहाँ मैंने 1/3 कप पानी लिया है नीम गर्म। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जेलेटिन और फिर मैं उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगी। हमें जेलेटिन को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। जेलेटिन को मैंने अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। अब यहाँ मैंने 1/2 kg स्ट्रॉबेरीज ली हैं, जिसे मैं ब्लेंड करूँगी। और इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये फ्रोज़न है। अगर फ्रोज़न नहीं होती तो मैं इसमें पानी ऐड करती। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड किया। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड कर लिया है। मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, इसमें 1 कप में ऐड करूँगी व्हिपिंग क्रीम और मैं इसको बीट करूँगी। अब मैं इसमें जेलेटिन ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ नीम गर्म पानी के साथ डिसॉल्व किया था, उसको ऐड करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। बीट करने के बाद इस ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी प्यूरी, जिसको मैंने शुगर के साथ ब्लेंड किया था। हाफ कप मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड की है इसमें और फिर मैं इसको बीट करूँगी, और मैं इसको ज़्यादा बीट नहीं करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी चंक्स और इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, स्पैचुला से सिर्फ मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम जो हमने स्ट्रॉबेरी के और जेलेटिन के साथ बीट करी है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसकी सेकेंड लेयर लगा दी है। अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। अब यहाँ हमें इसकी 3rd लेयर लगानी है, जिसके लिए यहाँ मैंने चीज़ें ली हैं। यहाँ मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी प्यूरी ली है, 1 टीस्पून मैंने जेलेटिन लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ नीम गर्म पानी लिया है। अब मैं इस बॉल में ऐड करूँगी पानी और उसके बाद मैं इसमें जेलेटिन ऐड करके इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लूँगी। यहाँ मैंने जेलेटिन को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है और अब मैं इसको स्ट्रॉबेरी प्यूरी में ऐड कर दूँगी।
मैंने यहाँ 1 कप स्ट्रॉबेरी प्यूरी ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी जेलेटिन जो मैंने डिसॉल्व किया था और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको बीट नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको मिक्स किया है इस तरह से। तो इसको रखे हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसकी आखिरी लेयर लगाऊंगी जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी की और जेलेटिन की है, हम इसके ऊपर वो डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड करूंगी। इसमें जेलेटिन मैंने मिक्स करा था, ये वो वाली स्ट्रॉबेरी प्यूरी है। इस तरह से मैं इसको पूरे पे फैला दूँगी। मोल्ड पर हमें अच्छे से इसकी लास्ट लेयर लगानी है इस तरह से। यहाँ मैंने लास्ट लेयर लगा ली है। अब इसको हम अब मैं दोबारा इसको ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। यहाँ इसे रखे हुए ओवरनाइट हो चुकी है। अब मैं इसको लूज पैन से निकालूँगी। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी मूस केक बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले एक छोटी सी दुआ हो जाए। अल्लाह पाक दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, हाल उनके सारी दुख तकलीफ परेशानी दूर अता फरमाए। आमीन। जो औलाद उन औलाद की नेमत से नवाज़ दीजिए। आमीन। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। आमीन। या अल्लाह पाक दुनिया में जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमाए। तो जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और मेरे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।